ओके, नाउ लेट्स मूव टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 3। और इस एक्सरसाइज के अंदर हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे सब मेरी डायमेंशंस की वैल्यूज जो है वो मिलीमीटर के अंदर है, और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं इसके लिए अपनी ड्राइंग को पहले ओपन कर लूंगा, और सबसे पहले मुझे इसके यूनिट्स चेंज करने हैं, और मैं इसके यूनिट्स को मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा इस तरह से। और लिमिट्स की कमांड भी आप अप्लाई करेंगे अपने पीएचडी सेटिंग के लिए, जो मैं पहले से कर चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लाइन की कमांड लूंगा, और मेड श्योर कि आपका यहाँ से आइसो ड्राफ्टिंग का जो मोड है वो ऑन होना चाहिए, और मैं यहाँ पे टॉप प्लेन जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। लाइन की कमांड लूंगा, और मैं अब यहाँ पे इस पॉइंट से लाइन ड्रा करता हूँ 60 मिलीमीटर की। और अब मुझे इस डायरेक्शन के अंदर जाना है, तो इस डायरेक्शन के अंदर मुझे डिस्टेंस यहाँ पे 22 गिवन है, तो ये मैं 22, लेकिन टोटल जो लेंथ है वो 70 है। तो लेट्स फर्स्ट ड्रा 70 यूनिट्स। तो ये 70 यूनिट की मैंने लाइन ड्रा होगी। अब यूजिंग द ऑब्जेक्ट स्नैप मैं इसको अपवर्ड मूव करूंगा, और मेरी टोटल जो लेंथ है अपवर्ड की वो 45 है। स्पेस बार प्रेस करेंगे, कमांड से हम बाहर निकल आएंगे। अब दोबारा स्पेस बार की प्रेस करूंगा, और मैं लाइन की कमांड एनेबल हो जाएगी मेरी, और मैं अब इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा करूंगा जो कि मुझे 10 यूनिट्स तक गिवन है, और स्पेस बार प्रेस कर देंगे। अब मुझे ये जो दो लाइंस है इनको ड्रा करना है, जिनका डिस्टेंस 22 मिलीमीटर है यहाँ से, और इसका यहाँ से 22 मिलीमीटर है। मैं सिंपल यहाँ से कॉपी की कमांड लूंगा, अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, और बेस पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करते हुए मैं इसको अब डिस्टेंस यहाँ से 22 दे दूंगा। स्पेस बार प्रेस कर दूंगा, और मैं दोबारा से कॉपी की कमांड लूंगा, इस दफा मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, और बेस लाइन से मैं इसकी लाइन जो है वो 22 पे अप्लाई कर दूंगा इस तरह से। अब मुझे एक और लाइन ड्रा करनी है जो कि इस पॉइंट से ड्रा होते हुए इस पॉइंट तक आके अटैच करेगी इस तरह से, और ये मेरी लाइन ड्रा होगी। अब ये पोर्शन मेरा अनवांटेड है, और ये लाइन मुझे थोड़ी सी एक्सटेंड करनी है, तो मैं यहाँ पे ट्रिम की कमांड यूज करूंगा, 2 टाइम एंटर प्रेस करूंगा, और इसको रिमूव कर दूंगा। और यू नो फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियो लेक्चर, आप ट्रिम की कमांड को एज एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू क्लिक द शिफ्ट की ऑन योर कीबोर्ड लाइक दिस, और आपकी लाइन जो है वो स्टैंड हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे ये 8 मिलीमीटर की जो लाइन है इसको ड्रा करना है, तो मैं लाइन की कमांड लूंगा, और मैं यहाँ से 8 मिलीमीटर तक लाइन ड्रा कर देता हूँ। सेम प्रोसीजर मैं अदर पार्ट के लिए करूंगा, और यहाँ पे भी मैं 8 मिलीमीटर की लाइन ड्रा करूंगा, और इस लाइन को इस लाइन के साथ अटैच कर दूंगा। ऑलराइट, अब मुझे ये जो लाइन है और ये जो स्पेस है इसको ड्रा करना है, तो मैं विदाउट एनी यूजिंग डायमेंशन इसको स्ट्रेट डाउनवर्ड मूव करूंगा, और उसके बाद मैं इसको स्टेंशन लाइन की मदद से इस पॉइंट के साथ अटैच कर दूंगा इस तरह से। एंड देन मुझे अगेन लाइन की कमांड यूज करनी है, और अब इस पॉइंट को मुझे इस पॉइंट के साथ अटैच करना है इस तरह से। और अब मुझे सिंपल ट्रिम की कमांड यूज करनी है, और जो अनवांटेड पोर्शन है मुझे उसको रिमूव कर देना है, और ये देखें तो ये मेरी जो साइड थी इस ऑब्जेक्ट की वो कंप्लीट हो चुकी है। ऑलराइट, अब मैं इसका जो फ्रंट जो साइड है इस ये लाइन जो 60 यूनिट्स की है 60 मिलीमीटर की, इसको ड्रा कर लेता हूँ, और मैं इस पॉइंट से 60 मिलीमीटर की लाइन ड्रा करूंगा, और देन मैं इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दूंगा। सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पे इसकी टॉप लाइन की जो लेंथ है उसके लिए परफॉर्म करूंगा, और मैं यहाँ पे भी 60 मिलीमीटर की लाइन ड्रा करूंगा, और इस लाइन को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दूंगा। तो ये मेरी जो अपर सरफेस थी वो बन चुकी है। अब मुझे यहाँ पे ये जो लाइंस हैं ये ड्रा करनी है, और ये लाइन बिल्कुल इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉपी की कमांड यूज करूंगा, लाइन को सिलेक्ट करूंगा, और फिर अपना बेस पॉइंट बताऊंगा, और मेरा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है दैट इज 22, तो ये मेरी लाइन आ गई। अब मुझे नेक्स्ट अपना बेस पॉइंट बताना है, तो मैं अगेन कॉपी की कमांड यूज करूंगा, और
सेम इसी लाइन को सेलेक्ट करूंगा, इसका बेस पॉइंट बताऊंगा और अब टोटल डिस्टेंस मेरा नेक्स्ट लाइन के दरमियान जो इन बिटवीन 16 मिलीमीटर है, तो मैं 16 मिलीमीटर के डिस्टेंस तक इसको प्लेस कर दूंगा इस तरह से। देन मैं लाइन की कमांड से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगा। नाउ आप देखेंगे यहां से मुझे 10 मिलीमीटर यूनिट डाउनवर्ड मूव करना है, तो मैं यहां से एक लाइन ड्रा करता हूं जो कि 10 मिलीमीटर की होगी और इस लाइन को मैं इस पॉइंट के साथ अटैच कर दूंगा इस तरह से। देन आपने इस लाइन को इस लाइन के साथ अटैच कर देना है, फिर आप ट्रिम की कमांड यूज करें और जो अनवांटेड लाइंस हैं इनको आप रिमूव कर दें इस तरह से। तो ये मेरा फीचर भी कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये फीचर बनाना है और इसका ये जो पॉइंट है ये 10 और 12 है, तो मैं यहाँ से एक पॉइंट से एक लाइन ड्रा करता हूँ पहले अपसाइड, इसी डायरेक्शन में 10 यूनिट्स की और ये 10 यूनिट्स की लाइन ड्रा हो रही और अब मुझे इसकी एक्सटेंशन में 12 यूनिट्स की लाइन ड्रा करनी, तो ये मेरा पॉइंट आ गया। अब मैं अपवर्ड मूव करूँगा 16 यूनिट्स, तो यूजिंग द एक्सटेंशन लाइन 16 यूनिट अपवर्ड मूव किया और फिर मुझे 24 यूनिट्स जो है अपने इस डायरेक्शन में जाना है, तो मैं ये 24 यूनिट्स मूव करूंगा और यूजिंग द एक्सटेंशन लाइन मैं इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगा कुछ इस तरह से। और ये जो मेरी लाइन थी कंस्ट्रक्शन लाइन इनको मैं रिमूव कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। अब मैं इसी की पॉइंट की एक्सटेंशन के अंदर एक लाइन ड्रा करूंगा रैंडमली और सेम मैं लाइन अदर वे साइड के लिए भी ड्रा करूंगा कुछ इस तरह से। देन ये जो मेरी स्लॉट है ये इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो मैं सिंपल यहाँ से कॉपी की कमांड यूज करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट के साथ अटैच कर दूंगा। तो अब मुझे इस पॉइंट को इस लाइन के साथ कंस्ट्रक्ट करना है, ज्वाइन करना है, तो मैं ट्रिम की कमांड यूज करूंगा, शिफ्ट की प्रेस करूंगा और लाइन को ज्वाइन कर दूंगा इसके साथ। देन आप इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा करेंगे जो बिल्कुल इस पॉइंट के साथ फॉल करेगी और आप मुझे एक्स्ट्रा लाइंस जो है उनको ट्रिम करना है इस तरह से और ये मेरा आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो कंप्लीट हो गया।